हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। सबका ही फेवरेट रहता है ये। अगर शादी वगैरह में हमको मूंग दाल का हलवा मिल जाए तो और क्या चाहिए। इतना टेस्टी कि हम सब उसी पर टूट पड़ते हैं। सो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और इसके लिए जो हमने सामग्री ली है वो इस प्रकार है। दूध 1 कप, पानी 1 कप या फिर आधा ग्लास जितना ले सकते हो, शुगर 3/4 कप या 150 ग्राम। ये दाल मैंने 7 से 8 घंटे तक सोक कर ली है, 1 कप जितनी है 200 ग्राम। घी लिया है मैंने 200 ग्राम या 1 कप। ये 1/4 कप मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और आधा टेबल स्पून जितना मैंने इलायची पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम दाल को छान लेंगे, उसमें से पानी सेपरेट कर लेंगे और इसको दरदरा पीसना है हमें। याद रखिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए और हल्का दरदरा ही पीसना है इसको। तो इसको एकदम अच्छे से पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे और कढ़ाई को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें जो दाल हमने पीसी है उसको डाल देंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक कम से कम इसको मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते रहिए। और उसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको फिर से मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें से जो पीसा हुआ मिक्सचर है वो थोड़ा अलग होने लगा है, सेपरेट होने लगा है और घी भी सेपरेट हो रहा है। बट इसको चलाते रहना है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि इसमें फ्लफीनेस भी आ जाएगा दाल में। ये देखिए इसमें कैसे बबल्स बन रहे हैं। अच्छा, मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमको कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। मेहनत तो लगती है। अब देखिए इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आपको कंटिन्यू इसको स्टर करते रहना है और जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। ये देखिए इसका कलर काफी चेंज हो गया है। इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। ये मैंने मूंग दाल का ही पानी ऐड किया है इसमें, सोक किया हुआ पानी। अब हम इसको तब तक चलाना है जब तक कि इसमें से घी सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए इसका घी सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहो तो दूध के साथ केसर भी इसमें मिक्स कर सकते हो, मतलब केसर वाला दूध इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसको कंटिन्यू आप ऐसे इसी तरह से चलाते रहिए जब तक कि इसमें से घी अलग नहीं हो जाता है। फ्रेंड्स, मूंग दाल का हलवा बनाना थोड़ा सा टफ है बट मेहनत का फल तो मीठा ही होता है। इसका रिजल्ट आपको इसमें मिल सकता है और बहुत ही टेस्टी होता है एक्चुअली। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरे और रेसिपीज कैसे मिलेंगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो इसका देखो घी अभी सेपरेट होने लग गया है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि घी पूरी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाना चाहिए। और यू कैन फील दैट जब उसमें से धुआं नहीं निकलता है तो समझ जाइए कि उसमें से पानी पूरा जल चुका है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 2 मिनट बाद इसको एकदम अच्छे से फिर से स्टर कीजिए और उसके बाद उसमें शुगर ऐड कीजिए और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये शुगर पूरी अच्छी तरह से मिल नहीं जाती है, उसमें घुल नहीं जाती है। इसको भी 2 मिनट तो लगता ही है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे जो है हमारा गैस। अब बारी आती है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की, जो कि सबसे अच्छा काम है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से इसकी शोभा ही अलग हो जाती है। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर दिख रहा है हमारा मूंग दाल का हलवा। ड्राई फ्रूट्स डाल के अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप गैस भी बंद कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक माई रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।